आज हम 9th क्लास का विषय लेकर आए हैं ब्यूटी वेलनेस। प्रश्न बैंक 2021-22 का कक्षा 9वीं के लिए वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए अध्ययन सामग्री लेकर आए हैं। तो जल्दी से जल्दी कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। देख लेते हैं कक्षा 9वीं का ब्यूटी वेलनेस का पूरा सॉल्यूशन। पहला जो क्वेश्चन दिया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो बिल्कुल आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं क्वेश्चन जो दिया गया है, उपयोग के बाद टूल्स और उपकरणों को खाली स्थान रखना चाहिए। तो ठीक उसके नीचे जो आंसर दे दिया गया है, वी संक्रमित यानी स्टरलाइज में। तो ठीक उसी प्रकार से सभी क्वेश्चन का आंसर भी दे दिया गया है आपको स्क्रीन पर देख लीजिएगा और स्क्रीन शॉट बिल्कुल ले लीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आपने क्वेश्चन क्रमांक 5 तक। अब देख लेते हैं क्वेश्चन क्रमांक जो दूसरा है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक उसके नीचे आंसर भी दे दिया गया है। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन रहेगा, सत्य असत्य, उसमें जो 5 क्वेश्चन दिए हैं तो 5ों का आंसर भी आपको दे दिया गया है। जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आप नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप लोगों से गुजारिश है सब्सक्राइब कर दीजिए। जो चौथा जो क्वेश्चन रहेगा, सही जोड़ी, ठीक उसी के नीचे जो दिया गया है सही जोड़ी का आंसर दे दिया गया है। आंसर डायरेक्ट देख लीजिएगा सही जोड़ी का, वो ज़्यादा बेटर होगा। उसके बाद में अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा जो 3 नंबर के आने वाले हैं। आप देख लीजिए अपने स्क्रीन पर जो दिया गया है, कायाकल्प केंद्र में किस तरह की सेवा शामिल है, क्वेश्चन का आंसर ठीक उसी के नीचे दे दिया गया है। तो देख सकते हैं क्वेश्चन क्रमांक 1 से लेकर क्वेश्चन क्रमांक 5 तक जो अति लघु उत्तरीय का है। इसके बाद जो दीर्घ वाले क्वेश्चन रहेंगे वे देख लीजिए, वैक्स कितने प्रकार के होते हैं प्रत्येक को समझाइए। तो जो वैक्स जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, स्क्रीन पर आपको दे दिया गया है, स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। इसके बाद में जो दूसरा क्वेश्चन है, प्राथमिक चिकित्सा के उपचार बताइए। तीसरा क्वेश्चन, मेकअप क्या है, मेकअप का लाभ बताइए। चौथा जो क्वेश्चन दिया है, ब्यूटी थेरेपी में दी जाने वाली सेवाओं का वर्णन कीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बाकी विषय का भी मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा, बहुत सारे वीडियो भी मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूं। आप यदि सब्सक्राइब करते हैं तो पूरे के पूरे आपको नज़र आ जाएंगे। देख लीजिएगा अगला जो क्वेश्चन है, अति दीर्घ उत्तरी प्रश्न जो रहेगा, आग बुझाने में किस प्रकार एक संक्षिप्त नोट बनाना है आग बुझाने के यंत्रों का, तो स्क्रीन पे देख रहे हैं आप। इसके बाद में क्वेश्चन जो दूसरा जो रहेगा, सहायक ब्यूटी थेरेपी के टिप्स लिखिए। स्क्रीनशॉट बिल्कुल लेते चलिएगा फटाफट, जल्दी से जल्दी आपको जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा। इसके बाद में मैं इसका जो है PDF आपको अपने टेलीग्राम लिंक पे भी दे दूंगा, आप वहाँ जाकर भी पढ़ सकते हैं। देख लीजिए बिल्कुल चौथा क्वेश्चन दिया गया है, उठाने के उचित तरीकों का विस्तार करना है, क्वेश्चन क्रमांक 5वां, आप स्क्रीन शॉट बिल्कुल लेते चलिए। इसके बाद में जो इकाई दूसरा जो रहेगा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, जो है आपका सही विकल्प दिया गया लेकिन खाली स्थान दे दिया गया है। तो देख सकते हैं स्क्रीन के नीचे ही ठीक क्वेश्चन के नीचे ही आंसर दे दिया गया है, बिल्कुल लिखे करके देखते चलिएगा। अब स्क्रीन रोक लीजिए या स्क्रीन शॉट ले लीजिए। इसके बाद में अब एक एक करके देख सकते हैं, यहीं से आपके बहुत सारे वार्षिक परीक्षा में आने वाले हैं, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के लिए त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा जो हुई है आपकी, या बेसलाइन जो टेस्ट हुआ है, आपको उसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। एक एक क्वेश्चन को पूरा पूरा तैयार कर लेना है तो आप आसानी से 100 में 100 नंबर ला सकते हैं। आपको अर्धवार्षिक का, त्रैमासिक का और बेसलाइन जो टेस्ट हुआ था आपका, उसका पूरा पूरा सॉल्यूशन करना है और इसके बाद में प्रश्न बैंक पूरा। आपके पास अभी वक्त है परीक्षा के लिए, इतना यदि आप करते हैं तो आसानी से आप पास हो जाएंगे, बिल्कुल अच्छे खासे परसेंट भी बन जाएंगे, आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बिल्कुल स्क्रीन पे देखते जाइएगा, एक एक करके स्क्रीनशॉट लेते चलिए। इसका भी आपको PDF मिल जाएगा, आप PDF की चिंता ना करें। आप मेरे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं स्टार RK सर को और वहां पर आप इसे देख सकते हैं।
पूरा पूरा क्वेश्चन जो रहेगा मैंने आपको पूरे विषय के भी प्रोवाइड करा चुका हूँ। हिंदी, संस्कृत, जो छह जो मुख्य जो होते हैं वह पूरे प्रोवाइड हो चुके हैं। इसके बाद में जो आपके जो व्यावसायिक जो पाठ्यक्रम हैं जैसे ब्यूटी, आईटी, बैंकिंग, इनका भी मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो इसके जिन जिन का जो व्यावसायिक जो सब्जेक्ट हैं वे लोग भी देख सकते हैं, तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा और पढ़ सकते हैं आप। इसके बाद में देख लीजिए क्वेश्चन क्रमांक जो दिया है, नेल पॉलिश लगाने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। एक एक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि आपका ब्यूटी से संबंधित है, देख सकते हैं आप। देखो नेल पॉलिश का जो चित्र भी दिया गया है, किस प्रकार से आप पेंट करेंगे नेल पॉलिश को ताकि वो अच्छे से अच्छे से सुंदर नाखून आपके नज़र आए। मेहंदी और लकड़ी की ब्लॉक मेहंदी में अंतर लिखना है आपको। नाखून की आकृति का वर्णन करना है कि किस प्रकार के नाखून होते हैं, बिल्कुल एक एक करके। इसके बाद में यूनिट नंबर 3, बालों की देखभाल। तो बालों की देखभाल किस प्रकार से की जाती है वो आप देख लीजिएगा स्क्रीन पे। एक एक क्वेश्चन दिया गया है और ठीक है उनका आंसर भी दे दिया गया है, तो देख सकते हैं एक एक करके। चैनल को अभी तक भी लाइक नहीं किया था, प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप लोगों से इतनी ही गुजारिश है कि आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देख लीजिए इसके बाद में सही जोड़ी दिया गया है, उनका आंसर भी दे दिया गया है। इसके बाद में जो दिया है एक शब्द में उत्तर, बालों को कितने चरणों में विभाजित किया गया है, तो यह 3 भागों में विभाजित किया गया है। बाल किस कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के, सीधे, लहरेदार और कर्ली यानी घुंघराले। 3 प्रकार के बाल होते हैं, एक तो सीधे होते हैं, दूसरे लहरदार होते हैं लहरते हुए, और तीसरे जो होते हैं घुंघराले बाल होते हैं। तीनों का वर्णन भी दे दिया गया है। एक फ्लैट और एक चोटी क्या है, या बिल्कुल स्क्रीन पर देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेते चलिए एक एक करके सबका, और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं आप, और सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर ही दीजिए ताकि ऐसी ही वीडियो आपको अनेक आपको प्रोवाइड होती रहे। आपका साथ सिर्फ 9th में नहीं, मैं 12th तक दूंगा, आगे भी देते रहूंगा, तो इसलिए आप सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिएगा। जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसका आंसर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। देख लीजिए एक एक करके, ये जो बाल का जो चित्र दिया गया है किस प्रकार से दिया गया है, किस प्रकार से जो बालों का विकास होता है देख सकते हैं आप। इसके बाद में देख लीजिए विभिन्न स्टाइलिश लोशनों की जानकारी लिखना है, किस किस प्रकार के लोशन होते हैं और उनसे किस प्रकार से जो बाल होते हैं वो चमकदार होते हैं, घुंघराले बाल को भी आप डिजाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।